Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. In advance, we should apologize to our viewers because you must be thinking that every day we bring you a story of tragedy, a story of heartbreak, a story of despair. We do try and look for hope, but we believe in telling the stories as we see them. And so we visit hospitals, private and public. We visit cremation grounds and burial grounds. And at this moment, we are at the capital's main cremation ground called the Nigam Bodh Ghat. And we came here to get a sense of what families are going through who have suffered COVID deaths. It is when you come here that you realize the struggle that families go through even to get medical intervention. And we met these two men here as they came looking for a space to cremate their mother. Young men, and we're going to talk to them. It's a difficult moment for them, but they want what has happened to them to not happen to other people, and that is why they are in fact wanting to talk to us, agreeing to talk to us. Sir, aapka naam? Ma'am, Manish naam hai mera. Manish. Aur sir, aapka naam? Sagar. Sagar. Aur Manish, aapki mummy ki death hui hai? Ji ma'am. To sabse pehle to hamari taraf se afsos, meri condolences. Thank you ma'am. Manish, aap kya karte hai? मैं स्टडी करता हूँ. क्या स्टडी? क्या? अच्छा, मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं? जी मैम. तो आप मुझे ये बताइए कि मम्मी कब से बीमार थी? मैम, एक्चुअली मैं बता दूं कि मेरी मम्मा हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी. एनओ थी. हॉस्पिटल में थी? LNJP हॉस्पिटल में थी. क्या काम करती थी? एनओ. एनओ क्या हुआ? मैम, नर्सिंग होटल होता है. नर्सिंग होटल. हाँ. नाम क्या था आपकी मम्मी का? सीमा. सीमा. अच्छा, फिर तो कोविड ड्यूटी पे थी वो? हाँ, कोविड ड्यूटी पे थी. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैम हुआ यूँ कि मैं मॉर्निंग ड्यूटी गई थी, इवनिंग में घर आई, सडनली उनके पेट में दर्द होने लगा. नाइट तक हमने डॉक्टर को दिखाया, नॉर्मल जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन नाइट में कोई असर नहीं हुआ. फिर हम मॉर्निंग में मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन किसी ने बोला कि हम कोविड के पेशेंट ही नहीं लेंगे, किसी ने बोला कि हमें पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, किसी ने कुछ बोला, मतलब सबके अलग अलग रीजन थे. एक, हाँ, किसी के पास बेड वो नहीं था. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम एक बात कर रहे हैं एक नर्सिंग ऑर्डरली की, एनओ जिसको आपने कहा, जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी, वो वहाँ क्यों नहीं उनको हेल्प मिल सकती? मैम, उन्होंने हमें क्लियरली बोला कि अगर आपका पॉजिटिव केस है तो हम लेंगे, आप हमें पॉजिटिव रिपोर्ट दो तब हम लेंगे. तो आपने टेस्ट कराने की कोशिश की मम्मी की? हाँ मैम, कोशिश तो खूब की, लेकिन हमें बेड ही नहीं मिला. लास्ट में हमें आईसीयू को बैठ नहीं मिला कहीं से कहीं तक भी नहीं. पर एक बात मुझे बताओ, आपको पहले तो कोविड टेस्ट कराना था ना, ये दिखाने के लिए कि पॉजिटिव है या नहीं, तो वो टेस्ट, उस टेस्ट के लिए आईसीयू बेड की जरूरत क्यों थी? मैम, उससे पहले की बात है, हमें जब तक डॉक्टर ही करेंगे चेकअप तो हम थोड़ी ना करेंगे, हम तो सिर्फ हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं. जब तक हॉस्पिटल ही पेशेंट को लेगा नहीं तो उसका चेकअप कैसे होगा? हम पूरा टाइम घूमते रहे, फिर हम BL कपूर में गए. BL कपूर ने चेक किया, रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन रात के बाद BL कपूर ने हमें मना कर दिया कि हमें ICU की ज़रूरत है और हम ICU हमारे पास है नहीं. फिर क्या मैम, हम वहाँ से निकले, हम फिर दोबारा पूरे LNJP आए, फिर मैक्स गए, एम्स गए, लेकिन सब ने मना कर दिया हमको. मुझे गिनवाओ आप कौन से हॉस्पिटल? मैक्स, एम्स, स्टेफेन, लेडी अरविंद, LNJP और ये अंबेडकर हॉस्पिटल भी गए थे, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से वो हैं क्लिनिक्स जो होते हैं उनमें भी गए, लेकिन किसी के पास ICU बेड ही नहीं था, अवेलेबल ही नहीं था. और मम्मी की सिम्टम्स क्या हो रही थी उस समय? मैम, सिम्टम्स कुछ नहीं हो रहे थे, बस पेट में दर्द हो रहा था एंड BP बहुत ज़्यादा लो हो गया था, ये सिम्टम्स थे. फाइनली कहाँ एडमिशन हुआ? हाँ, कहाँ पे हुआ एडमिशन? एडमिशन तो मैम पहले BL कपूर में था, उन्होंने मना कर दिया, फिर हम अंबेडकर हॉस्पिटल गए, उनको फिर उन्होंने बोला कि हमें ICU बेड चाहिए, तो ICU बेड उनके पास अवेलेबल ही नहीं था, और फिर जब तक हमें ICU बेड मिलता जब तक तो गोन सी. तो मम्मी की डेथ हॉस्पिटल में हुई कि आप ही के साथ हुई? मैम, रास्ते में ही हमारे साथ ही हुई थी. तो हॉस्पिटल तक वो एडमिट ही नहीं हो पाई? नहीं हो पाई मैम, एक भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाई. नहीं मैम. पर BL कपूर में टेस्ट हुआ उनका? टेस्ट हुआ था. तो फिर बाद में पॉजिटिव आया? बाद में पॉजिटिव आया. डेथ के बाद? डेथ के बाद. कब हुआ, मतलब सेकंड टेस्ट कैसे हुआ फिर? सेकंड टेस्ट मैम, हम RML जब तक पहुंचे, जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, तो MLC केस बन गया था, उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम करना होगा, चेक करना होगा, तो अभी रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की और पॉजिटिव अभी निकला है.
आप लोगों को बताया कि आपको भी टेस्ट होना होगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, कोई एडवाइस देने वाला नहीं, भी नहीं, नहीं। मुझे एक बात बताओ, आप उनके बेटे हैं, 22 साल के हैं और आप उनके जमाई हैं। जमाई हैं, आपकी उम्र 25 साल। तो आपको अभी ये बहुत, देखिए किसी की माँ चली जाए तो दिल तो टूटता है, लेकिन वो हेल्थ वर्कर हो और उनको मेडिकल सिस्टम से रिस्पॉन्स ना मिल पाए, ये तो मतलब डबल आयरनी हो गई ना, डबल ट्रेजेडी हो। मैम पूरी दिल्ली में उनका आई कार्ड लेके घूम रहे हैं कि हमें बेड दे दो, बेड दे दो, बेड दे दो। दिखाओ मुझे आई कार्ड है आपके पास। आई कार्ड मैम अभी पापा के पास है क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज हो। तो आपने आई कार्ड हर जगह दिखाया, आपने बोला कि माय मदर इज अ हेल्थ वर्कर। मैम इनफैक्ट मेरे चाचा भी हेल्थ वर्कर ही है, एनओ है, वो भी एलएनजेपी में ही, वो साथ में घूम रहे थे, वो भी अपना आई कार्ड बता दिखा रहे हैं कि मैं एक हॉस्पिटल में सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन हमें बेड ही नहीं मिल रहा था। तो गुस्सा नहीं आया? अगर हम डॉक्टरों से लड़ाई करेंगे तो फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि डॉक्टरों के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिकाना, सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। ये सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम सिस्टम सिस्टम की मैम ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किससे कोई दर्द में इंसान है तो उससे एक तरीके से बात की जाए। बिल्कुल, हम जानवर थोड़ी ना मैम, इंसान है। अगर आप एक प्रेस रिपोर्टर हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको पब्लिकली करो। तो ऐसा डॉक्टर उनकी ड्यूटी बनती है, अगर पेशेंट कोई आया है तो उसको चेकअप करो। अगर आप नहीं कर सकते तो कहीं के लिए रेफ़र करो। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हम रेफ़र नहीं कर सकते, आप हमसे लिखवा लोगे, हमें लिखना पड़ेगा। तो किस तरह से बात कर रहे थे आपके साथ? मैम बहुत अजीब तरीके से, मतलब इस तरीके से कि मतलब हमने शायद कुछ गलत कर दिया हो, अगर उनकी मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हुई हो तो मैंने कुछ गलत कर दिया हो, इस तरीके से कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, हम रेफ़र नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो प्रदेश की सरकार है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों के साथ लोगों जैसा ही बिहेव करें, और अगर चलो कोरोना बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस चैप्टर है, बट उसके अलावा भी मैम बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर मेरे सर में दर्द है उसको आप कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दोगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक बात बताओ, अब यहाँ पे हम निगम बोध पे आए हैं, आप अपनी मम्मी को क्रिमेट करने आए, ये पहले हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, अब क्रिमेशन ग्राउंड में जगह नहीं मिल रही। हाँ मैम, इन्होंने हमें पंजाबी बाग के लिए रेफर किया। क्या क्या रीज़न क्या? इन्होंने बोला है कि हम आरएमएल वालों को लेंगे ही नहीं, उनका पंजाबी बाग में। पर आपको आरएमएल में एंड में एडमिशन मिली थी? मैम नहीं, जब तक एडमिशन मिलती जब तक तो मम्मा की डेथ हो चुकी थी। हाँ, किसी ने आपको ये नहीं बताया दैट एज प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स आपको आइसोलेशन में जाना चाहिए, आपको टेस्ट कराने कोई था हॉस्पिटल्स में बात करने के लिए? मैम हॉस्पिटल्स में कोई बात ही नहीं कर रहा था सही से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब कह रहा है दूर से बात करो, सब कह रहे दूर से बात करो। नहीं, दूर से बात करो लेकिन बात तो करो। हाँ क्या कर सकते हैं? किसी ने अच्छी तरह से समझाया कि क्या होना चाहिए? किसी ने कुछ नहीं समझाया। मैं आपसे अगर पूछूं, अभी आपकी ओवरवेलमिंग इमोशन क्या है, मतलब दिल टूटा हुआ है कि गुस्सा ज़्यादा है? मैम गुस्सा ही ज़्यादा है, क्योंकि किसी के लिए किसी की मम्मी जाना और उसका रीज़न अगर मैं देखूं और वो लोग बैक अपने पास्ट में जाके, तो मुझे तो वही सब रीज़न नज़र आते हैं। मैं अगर शायद बेड मिल जाता, शायद हॉस्पिटल मिल जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। मनीष हम क्या बोलें आपको, ये सिस्टम ठीक करना होगा हमें, और हमें ये आवाज़ उठानी होगी। दिस इज़ मनीष, अ 22-year-old बॉय, ही इज़ अ बॉय हुज मदर हैज़ डाइड, ही वेंट टू मल्टीपल हॉस्पिटल्स, बट द tragedy, the poignancy, the irony, the cruelty of this case is that his mother was a health worker, a nursing orderly who worked in a government hospital and could not get the medical system to respond. And then he comes to a cremation ground and he can't find a place to cremate his mother. What could be more tragic? What could be more tragic than this? We have repeatedly been urging governments, you need to have human beings to talk to people. You cannot leave people in the corridors of hospitals trying to make sense of this themselves. We understand that doctors are overwhelmed. We understand that there's a shortage of healthcare staff, but we have to have a more humane response. Because when you turn back to these two young men, they don't even have a moment to pause and grieve. Because they're looking, if we move into them, they're now looking all over Delhi. First they began by looking for a hospital bed, and now they're going from one cremation ground to the next to find a place to cremate their mother.